क्वेश्चन नंबर 20, अग्रवाल लिमिटेड ने अमेरिका से कुछ गुड इंपोर्ट किया है जिसका CIFL दिया हुआ है $6,500, एयर फ्रेट दिया है $1,400, इंश्योरेंस चार्जेस दिया है $100, इसके अलावा बिल प्रेजेंट किया है 28 जून 2020 को, जबकि गुड्स भारत पहुंचे हैं 10 जुलाई 2020 को। तो हमको पता है कि जब भारत पहुंच जाता है माल, उसके बाद का जो रेट रहता है उससे ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम 10 जुलाई के बाद का जो रेट होगा उससे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से $1 इक्वल टू है 46.8 रुपीज़, और RBI के हिसाब से है $1 इक्वल टू 46.5 रुपीज़। तो हम सेंट्रल बोर्ड के रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट है 10%, इंटीग्रेटेड टैक्स है 12%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है 10%। हमको सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू और कस्टम ड्यूटी पेबल कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 46.8 रुपीज़। यहाँ पे CIF वैल्यू दिया हुआ था 6,500, हम इंटू कर देंगे 46.8 से, तो आ जाएगा 304,200। क्योंकि यहाँ पे CIF वैल्यू यानी कि एसेसेबल वैल्यू ही होता है, और यहाँ पे टोटल एसेसेबल वैल्यू दे दिया है, जबकि यहाँ पे एयर फ्रेट यूज़ हुआ है, तो एयर फ्रेट में हमको कंपेयर करना होता है, बट यहाँ पे बिना कंपेयर के दिया हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले एयर फ्रेट और इंश्योरेंस को माइनस करेंगे। तो एयर फ्रेट था $1,400, इंटू करेंगे 46.8 से, तो आ जाएगा 65,520। इंश्योरेंस प्रीमियम था 100, इंटू करेंगे 46.8 से, तो आ जाएगा 4,680। तीनों जब 304,200 में से 65,520 और 4,680 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 234,000, और यहाँ पे 6,500 में से 1,400 और 100 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,000, जो उसका FOB वैल्यू होगा। तो हमको यहाँ पे ऐड करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि ये एयर फ्राइट था, तो हमको इसको कंपेयर करना होता है। एक्चुअल रेट दिया हुआ था 1,400 और हमको लेना होता है 20% ऑफ FOB, तो FOB है 5,000, इसका 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,000। दोनों में से जो छोटा होता है उसको हम लेते हैं, तो यहाँ पे छोटा 1,000 है, इसलिए 1,000 लिए, इंटू करेंगे 46.8 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 46,800। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम होता है 100, इंटू करेंगे 46.8 से, तो आ जाएगा 4,680। जब हम ये तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 285,480, जो उसका असेसेबल वैल्यू होगा। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल, असेसेबल वैल्यू हमारा आया था 285,480। हम बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे असेसेबल वैल्यू का 10%, तो आ जाएगा 28,548। इसमें हम ऐड करेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो हम निकालते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो हमारा था 28,548, इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,855। GST निकालेंगे जो निकलता है एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो हम 285,480, 28,548 और 2,855 तीनों को प्लस करके फिर उसका 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 38,026। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा कस्टम ड्यूटी पेबल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चंकी इंटरप्राइजेस ने इंग्लैंड से कुछ गुड इंपोर्ट किया है जिसका इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ मशीन दिया हुआ है 8,025 पाउंड, डिजाइनिंग एक्सपेंस दिया है 600 पाउंड, फ्राइट ऑफ मशीन दिया है 150 पाउंड, इंपोर्टर ने कुछ रॉ मटेरियल फॉरन मैन्युफैक्चरर को इंडिया से भेजा है 41,250 रुपीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फैक्ट्री का दिया हुआ है, तो ये इंडिया आने के बाद का है इसलिए इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। टेक्निकल फीस ये भी आफ्टर इंपोर्ट इन इंडिया है, तो इसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। पैकेजिंग चार्ज और इंस्टॉलमेंट प्रीमियम दिया हुआ है 75 पाउंड, और इंस्टॉलमेंट चार्ज फैक्ट्री का दिया हुआ है, तो ये भी इंडिया आने के बाद का खर्चा है इसलिए इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। एक्सचेंज रेट रिजर्व बैंक के हिसाब से 1 पाउंड इक्वल टू 58.6 रुपीज़, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कस्टम एक्ट के अंदर 1 पाउंड इक्वल टू 55.7 रुपीज़ है, और बैंक ऑफ इंपोर्टर के हिसाब से 1 पाउंड इक्वल टू 54.5 रुपीज़ है। तो हमको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बोर्ड तय करता है वो रेट हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम 55.7 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हमको कस्टम ड्यूटी का बेसिक रेट दिया हुआ है 10%, GST इसमें पेबल नहीं होता है इसलिए हम GST कैलकुलेट नहीं करेंगे, और सोशल वेलफेयर चार्ज कैलकुलेट होगा। कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यूज, एक्सचेंज रेट लेंगे हम 1 पाउंड इक्वल टू 55.7 रुपीज़, वैल्यू ऑफ मशीन है 8,025, इंटू करेंगे 55.7 से, तो आ जाएगा 4,46,993। इसमें ऐड कर देंगे डिजाइनिंग एक्सपेंस 600, इंटू 55.7 करेंगे तो आ जाएगा 33,420। सेंट रॉ मटेरियल टू फॉरन मैन्युफैक्चरर, ये डायरेक्ट रुपीज़ टर्म में था 41,250। पैकेजिंग चार्जेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम था $75, इंटू करेंगे 55.7 से, तो आ जाएगा 4,178। सबको टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा FOB वैल्यू 5 लैख
25,841. इसमें हम ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्राइट का $150 इंटू 55.7 करेंगे तो आ जाएगा 8,355. दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा एसेसिबल वैल्यू आ जाएगा 5,34,196. कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल एसेसिबल वैल्यू हमारा था 5,34,196. इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी हम निकालेंगे एसेसिबल वैल्यू का 10% तो आ जाएगा 53,419.6. इसमें हम ऐड करेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का जब 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 5,341.96. अब क्योंकि इसमें हमको GST निकालने नहीं बोला गया था इसलिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 58,761.56. इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 58,762 जो हमारा कस्टम ड्यूटी पेबल होगा.